व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आप देख रहे हो करण पोल्ट्री, मैं आपका भाई करण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे बर्ड का डे है, डे 30, आज 30वां दिन। तो मेरे बर्ड में ना मोर्टैलिटी हो रही थी, जैसे मैंने वीडियो डाली थी कि 150 मोर्टैलिटी थी मेरे पर डे, तो आज भी मोर्टैलिटी 125 है मेरे फार्म में। तो बात ये हुई थी, मेरे भाई बोल रहे थे कि क्या दिक्कत आई थी ना, तो ब्रदर जो ना मैंने 3 नंबर फीड शुरू की इसकी, फिनिशर फीड, जिस दिन से मैंने वो शुरू की ना उस दिन से मेरे प्रॉब्लम हो ना, जिस दिन मैंने फीड डाली उसी दिन ही मेरे ना फार्म में 25 मोर्टैलिटी निकली। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ती गई। ऐसा नहीं है कि आपकी मैनेजमेंट के कारण प्रॉब्लम है, या फार्म में प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी मैनेजमेंट ख़राब हो तभी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कभी आप दवाई ज़्यादा दे देते हो, या फीड में भी कई बार ना पूरे न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, मतलब कि फीड में भी कई बार कोई मेडिसिन कम डाल देते हैं जहाँ से फीड आती है बन के, उसके कारण भी फार्म में कई तरह की बीमारियाँ आ सकती है, जैसे CRT हो गई, CCRT हो गई ना, फीड के कारण भी कई बीमारियाँ आती हैं। तो जब से मैंने 3 नंबर अपनी फीड शुरू की है ना, उसके डालने के बाद मेरे फार्म में ये प्रॉब्लम आई IBH की। पहले IBH नहीं थी, पहले ऐसे मोर्टैलिटी हो रही थी, फिर जैसे जैसे मोर्टैलिटी बढ़ी उसके बाद फिर मैंने जैसे बर्ड चेक करके देखे ना, तो बर्ड में मुझे ना IBH की प्रॉब्लम लगी। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने लिवोटोनिक चलाया था डबल करके, साथ में दवाई डाली किडनी की, नेफ्रो केयर डाली थी, नीरी डाली थी, बट उसका मुझे इफेक्ट नहीं पड़ा है। इफेक्ट इसके लिए इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जो मेरे पास फीड थी पुरानी फीड, तो मैं वही दे रहा हूँ अपने बर्ड को ना। अभी जैसे मेरे को फीड आई, मैं फीड तो चेंज नहीं करूँगा, इतना मेरे पास स्टॉक पड़ा है फीड का, फिनिशर का, इसलिए कोई इतना मुझे बेनिफिट नहीं मिला मेडिसिन का। तो बाकी इसकी एवरेज भी ठीक है, FCR थोड़ी सी बढ़ गई है। बाकी मैं 2 दिन के बाद बर्ड अपना पूरा सेल कर दूंगा, फिर देखेंगे कि टोटल कितनी कॉस्ट आती है मेरी, क्या FCR है। तो ऐसा मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ख़राब होने के कारण ही बीमारी आती है, ठीक है। कई बार फीड की वजह से, मेडिसिन की वजह से भी फार्म में कई प्रकार की बीमारियाँ आ जाती हैं। आज 30 दिन का हुआ है, मैं 2-3 दिन के बाद इसको बर्ड को अपना सेल करूंगा। मैंने पहले सोचा था कि मैं बर्ड अपना सेल कर दूं, फिर मैंने रोक लिया इसको, मैं कहा चलो बच्चा वजन तो ले रहा है पूरा, बाकी देखते हैं अभी। कि जब भी आप फीड डालना ना, इसको आप ये देखना कि फीड है ना, फीड को जब भी फीड आप चेंज करते हो ना, उसको साथ में लिवर टॉनिक जरूर देना कोई बढ़िया सा। मैं देता हूँ इसको हेप्टो केयर, जब भी फीड चेंज करना पहले 2-3 दिन ना फीड को मिक्स करके डालना,